लखनऊ में उस वक्त लोगों में सनसनी फैल गई जब मकान के बंटवारे को लेकर चचेरे भाइयों ने अपनी ही बहन पर फावड़े से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें महिला बुरी तरह से घायल हो गई। जिसकी जानकारी पाते ही ग्रामीणों ने घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी इलाज के दौरान ही मौत हो गई। फावड़े से हुए हमले में महिला की मौत की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। साथ ही पीड़ित परिवार की तरफ से तहरीर मिलने का इंतजार कर रही है, जिसके बाद से ही आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार करने की बात कह रही है। क्या नाम है? शुभम। शुभम बेटा, किसने मारा है आपकी दीदी को? अनिल। और सुबालक। और राम स्नेही। किस चीज से मारा है? फाड़ू से। काहे के बाद? जमीन के लिए। जमीन के विवाद में? जी। और वही लक्ष्मण। तुम्हारा बेटा क्या नाम है? शिवम। नरपत। क्या हुआ, किस तरीके से मारा गया, क्या मामला रहा? मामला साहब मकान का रहा है। मकान अपन पुराना तुरंत है लक्ष्मण, तो कुआं है आगे, इस मकान के आगे कुआं है, तो कुआं साहब पुराना बनाए है परिखन के आ रहा, तो कुआं के ऊपर मकान उठाते रहे, तो सुदामा कहला कि कुआं के ऊपर नहीं मकान उठाओ, अपने जहाँ पर नींव तुम्हारा है पुराना वहाँ पर दीवार तुम उठा लो, ये पर कुआं खुला रहा दोगे, अभी तुम निकलेगे हम निकलेंगे सबको निकलेंगे तो दोबारा जो खुला पड़ा रहा दो। तो उसी के कारण आज लड़ाई झगड़ा हुआ? हाँ, तो पुलिस ने उन्हें बुलाया, जिन मारा है उन्हें पुलिस ने बुलाया सवेरे 8 बजे, तो पुलिस ले गया तो समझाया वा। किस चीज से मारा गया है? फरुहा से मारा गया है। कितने लोग थे मारने में? मारने में नरपत, अनिल कुमार, लक्ष्मण, राम स्नेही, शिव बालक, लक्ष्मण दुलही सुमन और उनकी स्नेही दुलही संगीता और अनिल कुमार दुलही ने क्या रहा और नरपत दुलही का नाम। इस लड़ाई के बाद क्या मौके पर पुलिस पहुंची थी वहां पर? नहीं, पुलिस वहां पर नहीं पहुंची। सुबह सुला के मतलब चली आई पुलिस कि वहां पर जहां पर बताते हैं सुदामा, तो अपने मकान उठा लो कुआं खुला रहा, वहां पर समझा कर पुलिस अपने घर चली आई। ये भी मारा नहीं, 4 बजे की बात में हड़ती खींच के मारा है। ये सांप की घटना है। हाँ।